हेलो बडीस, एक टाइम था कि हमारे इंडिया को ड्रोन के लिए भी यूएस, रसिया, यूएसए जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अपनी ज़रूरत को बढ़ता देख इंडिया ने खुद ही अपने ड्रोन मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचा है। अब हर राज्य से नई नई ड्रोन कंपनी सेटअप होने की खबर आ रही है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड से, जहाँ अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी सेटअप होने वाली है, जो कि रुड़की में होगी। और ये कंपनी एक महीने में 150 ड्रोन मैन्युफैक्चर करने में कैपेबल होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 150 ड्रोन पर मंथ, तो ऐसा नहीं है। ड्रोन मैन्युफैक्चर के लिए ये नंबर पहले के मुकाबले बहुत है। और यह कंपनी इंडियन आर्मी के लिए भी ड्रोन तैयार करेगी। आपको बता दूं कि फिलहाल अभी तक जितनी भी ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी इंडिया में है, उनका एनुअल टर्नओवर सिर्फ 60 करोड़ ही है। लेकिन इस टर्नओवर को 2024 तक 900 करोड़ तक का बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। भले ही हम अभी मेड इन इंडिया ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन हमारे ड्रोन के 80% पार्ट बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अब अडानी और भी बड़ी कंपनीज ड्रोन के पार्ट इंडिया में ही बनाने का फैसला लिया है। और आपको बता दूं कि ड्रोन के इम्पोर्ट को भारत ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके अंदर डिफेंस, रिसर्च और सिक्योरिटी को छोड़कर सबके लिए ड्रोन इंपोर्ट बैन है। आने वाले 5 सालों के अंदर भारत अपने ही ड्रोन की जरूरत को पूरा नहीं करेगा, बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा। यहाँ पर होता है वीडियो का अंत। तो और भी अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।